हेलो दोस्तों, के हिमाचली में सभी का स्वागत है। तो आज आए हुए हम धर्मपुर राइडरों के साथ। तो आज हम आगे और राइडर होंगे, उनसे मिलेंगे आज। तो धर्मपुर का मौसम देखो यार कैसा है, बहुत अच्छा मौसम है गाइस। यहाँ पे जो है ठंडी हवा चल रही है, अभी ठंड ठंड सी महसूस हो रही है अभी। तो गाइस आज हमारा जो है नया ग्रुप, वो देखो बाइक देखो गाइस, वो हो ये गाइस, वो तेरी बिड़ा दूँ इसके साथ, ये गाइस। चलो भाई चलो, चेक करो गाइस, बाइक चेक करो, जरा इंट्रोडक्शन करवाएं भाई से, जरा इंट्रोडक्शन करवाएं भाई से, नाम वगैरह पूछे भाई का। बंदे भी हारले की तरह है, तो बंदे भी हारले की तरह देख, वो हो। तो गाइस हम यहाँ पे जरा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है, पर अभी लंच का टाइम हो चुका है, तो हमारा समझ लो कि लंच ही होने वाला है अभी। इधर स्पेशल पराठा 80-90 किलोमीटर पराठा खाने आए हैं 80-90 किलोमीटर पराठा खाने आए हैं, लड़के गए, राइड भी हो गई अपनी। तो भाई जान उसने जो है पराठा खाना स्टार्ट किया है, वही टेस्ट बताओ कैसा है। अकेले खा रहा हूँ, हमको चिढ़ा के। कौन सा ढाबा है ये? चाचू का? चाचू का ढाबा, चाचू का ढाबा। तो गाइस हमारे साथ बंदे बैठे थे, कितनी बंदे बैठे हो, पूरे टेबल भरे हुए देखो पीछे। ये सर्व कर रहे हैं आंटी, दो आलू और एक आलू इधर, तो गाइस इनके पराठे जो अभी आ चुके हैं और मेरे आए नहीं अभी, और मुंह में पानी आ रहा है इनको मिक्स कर रहे, चटनी भी मिक्स कर दी, दही भी मिक्स कर दी गाइस, पूरा मुंह पानी से भर गया। पराठा कैसे खा रहा है तू? इसका टेस्ट चेक करते हैं हम, और मैं अनुज की दही खा लूँगा, मेरी दही धोई नहीं अभी, ये भाई मेरी नहीं, तो कोई बात नहीं भाई, गुस्सा करेंगे गाड़ी ले लो, है भी नहीं बंदे हैं हम जो है बत्ती से यहाँ धर्मपुर पराठे खाने आए हैं बस, और कुछ नहीं। धर्मपुर से भी आगे है कुमार पानी की बोतल पराठे खा लेते गाइस। तो गाइस हम पराठा खा के फ्री हो चुके हैं और रेस्टोरेंट के बाहर निकल चुके हैं गाइस। और ये अगर आपको किसी को आना होगा तो चाचू का ढाबा देखते हैं, लोकेशन देखो, आप लोकेशन टोलन से पीछे है, देखते हो आप ये लोकेशन। और ये बंदे ओ हो RR 310 वाले, ओ ये सही टाइम पे आए गाइस, सही टाइम पे आए सही क्यों भाई, सही टाइम पे आए, सही क्यों मतलब पराठा खा बैठे हम तोड़ भाई ठीक ठाक बढ़िया। तो गाइस चलते हैं हम रेलवे स्टेशन की तरफ, वहाँ पे बता रहे हैं कि बढ़िया लोकेशन है। तो गाइस रेडी, अरे तो चाबी तो दे तो गाइस लोकेशन देखो यार कितनी प्यारी है भाई, मस्त लोकेशन यार,
ऐसी जगह हर कहीं नहीं मिलती ऐसी। माइक तो लगा हुआ नहीं है मेरा यार। माइक लगा लेता हूँ मैं शायद, माइक तो लगाया नहीं था। लगा दिया इन्होंने यार। गंदी वाली बगाते यार, बहुत गंदी वाली भाई। GTA 5 रेस लग चुकी है गाइस। ओ कचुमूर बन गया भाई स्कूटी का। ओ भाई मेरे को डर लग रहा। ये सोलन 4 किलोमीटर यहाँ से। तो गाइस हम सोलन में ही है, ये लोकल में ही है गाइस हम सोलन में। हर कुछ लोकेशन गाइस, लोकेशन सोलन की। तो गाइस आप देख सकते हो बड़ोग का टनल और रेलवे स्टेशन। चाय बेच रहे हो भाई? चाय में चाय, 10 रुपए चाय, चाय गर्मा गर्म चाय दे दो। ये तो सारे मसाला मार के 10-15 कप दे दो, मलाई मार के। तो ये देखो ट्रेन, अंग्रेजों के जमाने की ट्रेन है गाइस, बहुत पुरानी ट्रेन है। ये लोकेशन देखो गाइस कितनी खतरनाक लग रही है, बहुत ही प्यारी। हाँ बिल्कुल शांति। ये टीटी सर आगे तक छोड़ दो। चलो भाई भाई क्या बोलते हैं शिमला, गीजर रुको हुए बस गीजर रुको हुए को जाएगी ये कालका शिमला। चल भाई कालका शिमला, कालका शिमला जा भाई, चलो भाई चलो भाई। हां जी टिकट टिकट बोला, टिकट बोला कालका शिमला। ये सब तो ठीक है दादू? ठीक है दादू। नीचे तो आ गया मैं, ऊपर कैसे जाएंगे? जैसे जैसे आए थे वैसे जाएंगे। सांसद के खाली तेल का खर्च होता हमारा पैसा बस। दादा ब्लॉगिंग के बहाने ना हम घूम लेते हैं, विषय हमारी वीडियोस वगैरह नहीं चलती है। पर ब्लॉगिंग के बहाने इधर उधर एक्सप्लोर तो कर लेते हैं जगह। अगर हम ना ड्यूटी करें ना, खाली ड्यूटी करें ऐसे पज्जल रहेंगे। हाँ बस डंड हो जाएगी भाई, कमरे से ड्यूटी और ड्यूटी से कमरे, बस यही जिंदगी थी हमारी। अब हमने ब्लॉगिंग की है ना, तो हम प्यारी प्यारी जगह में घूमते हैं।